गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे साइंस टेक्सट बुक फॉर क्लास नाइन्थ टूडे माई टॉपिक नेम इज मोशन डिस्क्राइबिंग मोशन मोशन क्या होता है एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजे इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग मोशन क्या होता है यदि कोई वस्तु जो है उसकी पोजिशन में लगातार चेंजेस हों तो वह वस्तु जो है मोशन में कहलाती है रेस्ट एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजिशन रिमेन्स द सेम विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग टाइप्स ऑफ मोशन मोशन जो होते हैं मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पाथ बाय विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू जैसे सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन क्या होता है कि सर्कुलर मोशन में हम पढ़ेंगे कि वैन ऑब्जेक्ट वैन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन में इसे सर्कुलर मोशन में देखिए इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन नेक्स्ट हमारा है ट्रांसलेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन में हम पढ़ेंगे कि व्हेन ऑल द द द पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम देन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी ट्रांसलेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑफ टू टाइप्स इनमें देखो दो टाइप होते हैं इसमें हमारे ट्रांसलेटरी uh, मोशन के एग्जाम्पल आ जाते हैं कि अ चाइल्ड गोइंग डाउन अ स्लाइड एंड अ व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑफ टू टाइप्स रेक्नियर एंड कवीनियर मोशन रेक्नियर मोशन में क्या होते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन रेक्टिनियर मोशन में हमारा ध्यान से इसको देखेंगे कि वेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड रेक्टिनियर मोशन फॉर एग्जाम्पल अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अ बॉल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग मोशन ऑफ अ स्टिक ऑन द कैरम बोर्ड एंड मार्च पास्ट ऑफ द सोल्जर इन अड अब इसमें देखिए इस पिक्चर में नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा है कर्वलीनियर मोशन वेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ कर्व्ड पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड कर्विलीनियर मोशन फॉर एग्जाम्पल अ कार मूविंग अलोंग अ कर्व्ड पाथ अबाल बॉल थ्रोन बाय अ बॉय एंड अ जेवरिंग और शॉर्टपुट थ्रोन बाय एन एथलीट नेक्स्ट हमारा आ जाएगा रोटेटरी मोशन रोटेटरी मोशन में रोटेटरी uh, मोशन में आ जाएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन इसमें देखिए फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन द व्हील ऑफ द सींग मशीन अ जाइंट व्हील अमेरी गो राउंडिंग अस्पिनिंग व्हील अपोट व्हील एंड अ स्पिनिंग टॉप नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ओसिलेट्री मोशन वेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजिशन इट्स मोशन इज कॉल्ड ओसलेटरी मोशन ओसिलेटरी मोशन में ओसिट्री मोशन में देखिए इन ऑसलेटरी मोशन द इंटायर ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो फॉर एग्जाम्पल टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ स्टोन द मोशन ऑफ अ स्विंग एंड द पैंडलम ऑफ अ क्लॉक एक्सेट्रा नेक्स्ट हमारा आएगा टरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन में हम देखेंगे वेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन सच अ वे डेट अ पार्ट और पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन फिक्सड एंड डज नॉट मूव वाइल द रेस्ट ऑफ्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो इन अ डेफिनेट पैटर्न इट्स मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन इसको देखिए इसमें हमारा आ जाएगा एक्सपेंशन एंड कंट्रेक्शन ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन नेक्स्ट हमारा है पीरियोडिक मोशन अ मोशन डेट रिपीट इट सेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन इसमें देखिए द स्विंगिंग पैंडलम ऑफ अ वाल द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन हार्ट बीट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन एंड द मोशन ऑफ द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन नेक्स्ट हमारा है नॉन पीरियोडिक मोशन नॉन पीरियडिक मोशन में जो है अ मोशन डैट डज नॉट रिपीट इट सेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन पीरियडिक मोशन नेक्स्ट हमारा आ जाएगा डिफरेंट डिफरेंट मोशन एट द सेम टाइम वेन एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट टू और मोर टाइप्स ऑफ मोशन एट द सेम टाइम इट्स मोशन इट्स मोशन इज कॉल्ड मल्टीपल मोशन अब इसमें देखिए ये जो बच्चा साइकिलिंग कर रहे हैं अब राइडिंग अ एग्जांपल ऑफ मल्टीपल मोशन द व्हील्स ऑफ रोटेट रोटेटरी मोशन एंड एट द सेम टाइम मूव फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट और कर्व पाथ रेक्लिनियर एंड कर्वलिनियर मोशन अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है वैन अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन यदि कोई वस्तु जो है बराबर दूरी बराबर समय में पूरी करे तो वह यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन कर रही होती है ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रैवल अन इक्वल डिस्टेंसिस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि यदि कोई uh, अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरी करे तब वह जो है नॉन नॉन यूनिफॉर्म अवस्था में जो होती है विचरण कर रही होती है नेक्स्ट हमारा है एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी टाइम। इसमें देखिए द स्लोप ऑफ वी वी टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन द स्लोप ऑफ द अव ग्राफ इज कॉन्स्टेंट नेक्स्ट हमारा है एक्सिलेटेड मोशन वेन मोशन ऑफ अ बॉडी डिक्रीज विद टाइम इस पिक्चर में देखिए इफ अ बॉडी इज एक्सक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन देन देर विल बी अ कॉन्स्टेंट स्पीड इफ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन द स्पीड विल नॉट रिमेन यूनिफॉर्म बट हैव अ डिफरेंट वैल्यू थ्रू आउट द मोशन ऑफ सच अ बॉडी फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन इसमें जो ये साइन दिए गए हैं इनको अच्छे से लर्न कर लेना है वी का मतलब फाइनल फाइनल वेलोसिटी यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड ए एक्सेलरेशन नेक्स्ट हमारा है फिजिकल क्वांटिटीज ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेड एग्जांपल लेंथ मास टाइम टेम्परेचर फोर्स प्रेशर एंड वर्क इनको भी आगे दो पार्ट्स में बांटा जाता है जैसे हमारा आ जाएगा स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ स्केलर में आते हैं कि इट इज़ द फिजिकल क्वान्टिटी हैविंग ऑन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन एग्जाम्पल डिस्टेंस एंड स्पीड वेक्टर क्वान्टिटी इसमें क्या होता है कि इट इज़ द फिजिकल क्वान्टिटी डैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एग्जाम्पल डिसप्लेसमेंट एंड विलासटी नेक्स्ट हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इसमें क्या है डिस्टेंस क्या होता है the actual path or length travelled by an object during its journey from its initial position to its final position is called the distance distance is a scalar quantity which requires only magnitude but no direction to explain it example ram travelled 22 km distance is measured by odometer in vehicles and next hemera displacement is a vector quantity requiring both magnitude and direction for its explanation example राम ट्रेवल ट्वेंटी टू किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो वेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन आर सेम एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट इसमें देखिए डिस्टेंस में क्या है लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट और डिसप्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेकेंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और ये डिसप्लेसमेंट uh, जो है वो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिस्टेंस में है इट रिमेन्स पॉजिटिव कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव और बट uh, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो फोर्थ पॉइंट इसका है डिस्टेंस का डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिसप्लेसमेंट इन लीनियर पाथ लीनियर पाथ फोर्थ में डिसप्लेसमेंट uh, में आ जाएगा कि डिसप्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेजर डिस्टेंस नेक्स्ट हमारा है स्पीड द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड स्पीड जो है स्पीड कैसे नापी जाती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इसमें है इफ अ बॉडी इज एक्सक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन देन देयर विल बी अ कॉन्स्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन इफ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन द स्पीड विल नॉट रिमेन यूनिफॉर्म बट हैवे डिफरेंट वैल्यूज थ्रू आउट द मोशन ऑफ अ सच अ बॉडी फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी एवरेज स्पीड इसमें कैसे निकाली जाती है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन नेक्स्ट हमारा है विलॉस्टी विलोस्टी क्या होती है इट इज़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन वेलोसिटी जैसे इसको कैसे नापते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट्स वैल्यू चेंजेस व्हेन इधर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन लाइन एवरेज वेलोसिटी विल बी एल्कुलेट इन द सेम वे एज डन इन एवरेज स्पीड एवरेज वेलासिटी निकालने के लिए है कि टोटल डिसप्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग द एवरेजी कैन बी कैन बी कैलकुलेटेड एज ए फॉलर जैसे इसमें किया जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी से डिवाइडेड बाई टू इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सेलरेशन uh, एक्सेलरेशन क्या होता है कि इसमें एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इसका फार्मूला है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इफ अगर इसमें वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है हमारे उस टाइम uh, से तो देना uh, ये जो एक्सेलरेशन uh, है वो विल बी पॉजिटिव ही होगा रिटार्डेशन एंड डीएक्शन डी एक्लेशन इज सेम इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ड्यूरिंग डिक्रीजेज इन विलोसिटी विद टाइम इट हैज़ सेम डेफिनेशन एज एक्सेलेन इसका फार्मूला है कि चेंज इन विलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेश्स इसमें ये जो आगे ध्यान से इनको देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसमें दिया गया है इसमें हमारा कि पहले है हमारा ग्राफ फोर यूनिफॉर्म मोशन में दिया गया है जिसमें देखिए इसको स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड यूनिट जीरो एक्सेलरेशन में है तो इसके ये जो फार्मूले हैं ये आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है वो है नॉन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है इसे भी ध्यान से देख लीजिए फर्स्ट के उसमें क्या दिया है कि कंटिन्यू इंक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट्स एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन और दूसरे में दिया है कि कंटिन्यू डिक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट्स डिक्लेरेट नॉन यूनिफॉर्म मोशन थर्ड में हमारा है ये जो ग्राफ है बॉडी एट रेस्ट हो रही है यहाँ पर इस एग्जांपल इनको अच्छे से समझिए नेक्स्ट हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें दे रखा है कि यूनिफॉर्म uh, मोशन का इसका ये है नेक्स्ट हमारा इसका जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में इसका ये है इसमें दिया गया है कि इन यूनिफॉर्मली एक्सलेरेटेड मोशन देयर विल बी इक्वल इनक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू आउट द मोशन ऑफ बॉडी लास्ट में थर्ड पे हमारा है इसे अच्छे से देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली डिक्लेरेटेड मोशन है इन फार्मूलों को अच्छे से लर्न कर लीजिए नेक्स्ट ग्राफ फॉर नॉनिफॉर्म नॉन नॉन यूनिफॉर्मली डिक्लेरेटिव मोशन द एरिया इन क्लोज बिटवीन एनी टू टाइम इंटरवल्स इज टाइम टू माइनस टाइम वन इन डिवाइडेड बाई टाइम ग्राफ विल बी रिप्रेजेंट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय डैड बॉडी इसमें भी देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी बिटवीन टाइम टू एंड टाइम वन टाइम इंटरवल्स है ये इसमें इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लर्न कर लेना है आपने नेक्स्ट हमारा जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन जिसमें हम फोर यूनिफॉर्मली एंड एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है कि फाइनल वेलोसिटी इजल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इन टाइम ग्राफिकल डेरिवेशन में इसका दिया गया है कि सपोज अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी जिसमें मतलब कि एट अ पॉइंट ए एंड दिस वेलोसिटी चेंज टू बी एट अ पॉइंट बी इन द टी एंड फाइनल वेलोसटी है विल बी वी इसको इन फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में भी देखिए इनको अच्छे से लर्न कर लेना है नेक्स्ट हमारा है थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को भी इसको इन इक्वेश्स को अच्छे से समझ के याद कर लेना है आपने नेक्स्ट ये कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं इन एग्जाम्पल्स को भी देखिए ध्यान से कि अ बॉडी अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कल पाथ ऑफ अ रेडियस टेन मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अब इसको आप ध्यान से देखिए इसमें पाई की वैल्यू है थ्री पॉइंट वन फोर आर हमें दिया गया है टेन और इसमें हमें एस निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी डी क्या होगा तो इसका फार्मूला है डी टू इन टू आर इजिकल टू टू को हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी मीटर हमारा आ जाएगा इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जाम्पल uh, है अ बॉडी ट्रैवल्स फोर किलोमीटर टू वार्ड नॉर्थ देन ही टर्न टू ही स्टाइट एंड ट्रेवल्स अनदर अदर फोर किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट कैलकुलेट कैलकुलेट इसमें हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनके जो जो फार्मूलेस हैं उनको पुट करके इनके आंसर निकाल लीजिए नेक्स्ट हमारा है वट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर सेकेंड एंड किलोमीटर हार इफ इट ट्रेवल्स फोर्टी किलोमीटर इन फाइव हार तो इसमें देखिए डिस्टेंस टाइम स्पीड हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इसे सॉल्व कर लीजिए नेक्स्ट हमारा है अकार ट्रेवल्स ट्वेंटी किलोमीटर इन फर्स्ट हार फोर्टी किलोमीटर इन सेकेंड हार एंड थर्टी किलोमीटर इन थर्ड हार कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन अब इसमें हमें आ, क्या निकालना है देखो स्पीड इन फर्स्ट हार ट्वेंटी किलोमीटर हार डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट हार में ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी किलोमीटर स्पीड इन सेकेंड हार में फोर्टी किलोमीटर हार एंड डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग सेकेंड हार में हमें वन इंटू फोर्टी फोर्टी किलोमीटर आ जाएगा स्पीड इन थर्ड हार में हम निकालेंगे इसे थर्टी किलोमीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग थर्ड हार में वन इंटू थर्टी थर्टी किलोमीटर एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन तो इसे इनको आ, करके नाइन्टी को थ्री से डिवाइड कर देंगे थर्टी किलोमीटर हमारा आंसर निकल जाएगा नेक्स्ट ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिसमें दिया गया है कि आकार स्पीड इंक्रीजिंग फ्रॉम फोर्टी किलोमीटर हार टू सिक्सटी किलोमीटर हार इन फाइव सेकेंड कैलकुलेट द देशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कार तो अब आपको इसमें सब कुछ चीज़ें दी गई हैं आपको फार्मूला पुट करना है और इसे सॉल्व करना है नेक्स्ट भी हमारा सम ऐसे ही है अ कार ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर हार कम्स इन टू रेस्ट इन जीरो पॉइंट फाइव हार वट विल बी दट वैल्यू ऑफ इट्स रिटार्डेशन तो इसका भी हम फार्मूला लगाएंगे फार्मूले आपको पहले अच्छे से करवा दिए गए हैं नेक्स्ट ये एग्जाम्पल देखिए ध्यान से फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन एस एस डिवाइडेड बाई टी ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ए और बी विल बी मोर फास्टर देखिए इनको ध्यान से इसमें कौन ज़्यादा फास्टर है इसमें वी ए फास्टर है नेक्स्ट अब हमारा थोड़ा सा रिविजन का टाइम आ जाएगा तो हम इसे थोड़ा शॉर्ट्स में क्विक रिविजन करेंगे देखिए इसमें सबसे पहले मोशन मोशन में हमने क्या पढ़ा मूविंग बॉडीज चेंजेस देयर पोजिशन विद विद टाइम इसमें फर्स्ट आ जाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है बॉडी कवर्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल अब जो है इनको आगे हमारा डिस्टेंस है डिस्टेंस क्या होता है कि एक्चुअल लेंथ और पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी जिसमें डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी होती है और इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनि फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन और इसमें क्या है डिस्प्लेसमेंट इज वक्टर क्वान्टिटी इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नेक्स्ट हमारा है विलास्टी विलोसटी में क्या है कि कैन बी चेंज बाय चेंजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम एंड इसकी ऐसा आई यूनिट ये मीटर सेकेंड में वो की जाती है और इसमें है यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और विलास्टी इज अ वेक्टर क्वान्टिटी हैज मैगनीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी नेक्स्ट हमारा आ जाएगा स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड में हमारा इसमें है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आ जाएगा अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज अ स्केलर क्वान्टिटी हैज अग्निट्यूड बट नो डायरेक्शन और डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम तो इसमें एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस अब देखो स्पीड uh, और वेलोसिटी के इसमें क्या है स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग और वेलोसिटी में क्या है स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसे ध्यान से देखिए इसमें जो ग्रीन लाइन्स है द ग्रीन लाइन शो अ फास्ट स्टेडी स्पीड मूविंग फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड मीटर इन सेकेंड द ब्लू लाइन शो 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 आ जर्नी विदॉप एंड टू द स्टार्टिंग पोजिशन एंड द रेड लाइन शो आर जर्नी स्टार्टिंग टू से टू सेकेंड्स लेटर दैन द अदर टू विद एंड इनिशियल एक्सेलेन डिस एंड अ स्टॉप नेक्स्ट इन ग्राफ्स को अच्छे से देख लीजिए और इन्हें अच्छे से समझिए थैंक्स फॉर वॉचिंग Please like, share and subscribe it.